नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एयरबॉर्न स्टैंडअप जैमिंग प्लेटफॉर्म को लेके है। इसको लेके 2020 की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर ऐसे एक एयरबॉर्न स्टैंडअप जैमिंग एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था, जिसको मेक वन कैटेगरी के अंदर डेवलप करने का क्लियरेंस दिया गया था, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग करने का प्लान किया गया था। इसके बाद DRDO की तरफ से ऐसे एक सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया गया, जिसमें DRDO रडार जैमर्स, कम्युनिकेशन जैमर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा था। और अभी बताया गया कि इन सभी सिस्टम को आने वाले एक साल के अंदर ही तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद DRDO की तरफ से अभी बॉम्बार्डियर 6000 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाएगा, जिसके बाद इनको DRDO की तरफ से लॉन्ग रेंज स्टैंड अप जैमर एयरक्राफ्ट के तौर पर कन्वर्ट किया जाएगा। वैसे इन एयरक्राफ्ट की रेंज अच्छी खासी है, तो इनको एयरबॉर्न जैमिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई करने से ये हमें काफी लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता दे सकते हैं। इसमें अभी बॉम्बार्डियर एक सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर भी काम करने वाला है, क्योंकि DRDO को बॉम्बार्डियर 6000 एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन करने में दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से DRDO को अपनी जैमर स्कोर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम को इस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए बॉम्बार्डियर की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा और ओरिजिनल एयरक्राफ्ट में जो भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी वो सभी के सभी बॉम्बार्डियर के द्वारा ही कंप्लीट किया जाएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस कैटेगरी के अंदर 2 ऐसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट भी किया जा रहा है, जिसके लिए ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें इजरायली ओरिजिन सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी DRDO की तरफ से जिन सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है वो दुश्मन के रडार्स को भी जैम कर सकते हैं और इसमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल पेलोड मौजूद होने वाले, जो कि इस एयरक्राफ्ट की बेली सेक्शन में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेकर, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले साल दिसंबर तक रशिया की तरफ से भारत को पहली S-400 यूनिट को डिलीवर किया गया था और इसे नॉर्दर्न सेक्टर में कहीं पर डिप्लॉय किया गया था। इसी बीच आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से रेगुलर बेसिस पर चाइना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट को लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब भेजा जा रहा है और दिन ब दिन चाइनीज फाइटर जेट की एक्टिविटी बढ़ रही है और अभी इनको काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेम तरीके से इनको रिएक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आज मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी भारत को S-400 सिस्टम की सेकंड रेजिमेंट को भी डिलीवर करना शुरू कर दिया गया और अभी आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर ही भारत को S-400 सिस्टम की सेकंड रेजिमेंट को कम्प्लीटली डिलीवर कर दिया जाएगा। वैसे ये शायद इससे काफी पहले डिलीवर होने वाली, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर भारत अपनी सेकंड S-400 रेजिमेंट को पूरी तरीके से डिप्लॉय करने वाला, जो कि स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके, आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा कि अभी भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट हर साल बढ़ रहा है और अभी हम अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट को अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम जो डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें ज्यादातर मिसाइल्स, स्मॉल आर्म की एमुनेशन, आर्टिलरी एमुनेशन और हेलीकॉप्टर शामिल थे, लेकिन कुछ देशों की तरफ से अभी भारत से तेजस जैसे फाइटर जेट को भी खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। लेकिन अभी पहली बार भारत को UAVs को एक्सपोर्ट करने का मौका मिला है। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया की तरफ से अभी भारत से कुछ UAVs को एक्वायर करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। इसके लिए कुछ दिन पहले ही आर्मेनिया की एक डेलीगेशन टीम भारत के गश्त पर आई हुई थी और इसी दौरान वो भारत से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे थे और उनकी इस विजिट के दौरान जो मेन प्रपोज था वो डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदना था। तो इसी बीच ये सुनने को मिल रहा है कि आर्मेनिया की तरफ से अभी भारत से ड्रोन्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। हालांकि ये नहीं पता कि वो भारत से किस ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे, क्योंकि फिलहाल रुस्तम 2 ड्रोन अभी प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए तो इसकी सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में ही हर्मिस 900 ड्रोन को लेकर कुछ अपडेट सामने आया था, जिसकी प्रोडक्शन जल्दी ही भारत में शुरू होने वाला है, तो हो सकता है वो उसको खरीदने की कोशिश कर सकते हैं या फिर और भी कई ड्रोन मैन्युफैक्चरर भारत में अभी सामने आ चुके हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरी सर्विलेंस ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और कैमिकाज़े ड्रोन को बना रहे, जिनको हो सकता है तो आर्मेनिया खरीद सकता है। ये बात भी आर्मेनिया अच्छी तरीके से जानता है कि पिछली बार अजरबैजान के साथ जो लड़ाई हुआ था उसमें उनकी हार के पीछे टर्किश ओरिजिन ड्रोन एक मेन कारण थे,
तो अभी उनको काउंटर करने के लिए वो पहले से ही ड्रोन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सी ड्रोन होने वाली अभी तक क्लियरली पता नहीं चल रहा है। वैसे इससे पहले भी भारत और अर्मेनिया के बीच डिफेंस रिलेशन काफी बना हुआ था और अर्मेनिया की तरफ से भारत से पहले भी स्वाति रडार को खरीदा जा चुका है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें आपने देखा होगा टाटा एडवांस सिस्टम की फैसिलिटी में कुछ आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था और तब इसे इंडियन आर्मी के चीफ के सामने डिस्प्ले किया गया था। अभी पता चला है कि इन व्हीकल्स को एक्वायर करने के लिए पहले से आर्मी की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे और टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि उनकी तरफ से भी इन व्हीकल्स को आर्मी को हैंडओवर किया जा चुका है। इन व्हीकल्स को टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल कहा जा रहा है और ऐसे व्हीकल को दरअसल चाइना के साथ हुई फेसअप के तुरंत बाद ही इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, क्योंकि तब चाइना की तरफ से इस रीजन में अपनी आर्मर्ड व्हीकल को लाया जा रहा था, जबकि तब भारत के पास इस कैटेगरी की यानी कि चाइनीज व्हीकल को मैच करने लायक व्हीकल मौजूद नहीं थे। तो इमरजेंसी में इन व्हीकल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से इस कैटेगरी के अंदर जिन व्हीकल को खरीदने का फैसला किया गया था उनको इंडिजिनस तरीके से डेवलप और मैन्युफैक्चर करने की बात की गई थी और अभी इन व्हीकल को आर्मी में शामिल करने के बाद ही इंडियन आर्मी को क्विक डिप्लॉयमेंट करने में काफी मदद करने वाला और स्पेशली लद्दाख जैसे एरिया में ऐसे व्हीकल की मदद से आर्मी को बेहतर मोबिलिटी मिलने वाला है। अगला अपडेट स्मार्ट मुनिशंस को लेके। अभी पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी की तरफ से या फिर हमारी ट्राई सर्विस की तरफ से ड्रोन को एक्वायर करने पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब हमारे पास सभी स्वार्म ड्रोन और अलग अलग कैटेगरी की सर्वेलेंस ड्रोन मौजूद है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इन ड्रोन से हम लोग दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते और अगर हम इस पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो इनमें से मैक्सिमम ड्रोन हमला नहीं कर सकते, जो कि इनको सिर्फ सर्वेलेंस कैटेगरी के ड्रोन बनाती है और जो आम ड्रोन हमारे पास मौजूद है या केमिकेजी कैटेगरी के ड्रोन हमारे पास मौजूद है उनकी एक दिक्कत ये कि उनके पास वेपन काफी लिमिटेड है, यानी कि हम उनमें ज्यादा वेरायटी के वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर इनकी कैपेसिटी काफी हद तक लिमिटेड है जो कि दुश्मन को उतना डैमेज नहीं दे सकता है। इस वजह से अभी एक इंडियन कंपनी जेन न्यूमेरिक्स की तरफ से भारत की पहली माइक्रो मुनिशन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके एक डेमो पहले से ही आर्मी को दिखाया जा चुका है, हालांकि इसके बारे में अभी तक डिटेल में डाटा को पब्लिक नहीं किया जा रहा या फिर इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन को पब्लिक नहीं किया जा रहा, पर इतना पता चला है कि एक स्मार्ट मुनिशन होने वाला जिसकी मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर के आसपास हो सकती है और ये माइक्रो मिसाइल की तरह काम करने वाला जिसमें एक आर्मर्ड बैलिस्टिक हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन और थर्मोबैरिक वॉरहेड मौजूद हो सकता है। इस मिसाइल को हम लोग ड्रोन्स के अलावा लाइट अटैक एयरक्राफ्ट में और हेलीकॉप्टर्स में भी इंटीग्रेट करने की प्रोपोजल रखा गया जिसे मेनली दुश्मन की मेन बैटल टैंक्स और आर्मर्ड यूनिट्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।